नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। जैसा कि हम लोग अक्सर करते हैं कि सिर्फ मेरी नजर नहीं रहती है, हमारे साथ किसी और की भी नजर रहती है, तो आज भी हमारे साथ एक मेहमान जुड़ेंगे, उनके बारे में और उनसे परिचय में थोड़ी देर में कराऊंगा आपको। हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी के बिल्कुल आसपास। 30 जनवरी 1948 आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्रेजेडी, महात्मा गांधी की हत्या। देश को अचानक से लगा कि पता नहीं हम इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक कुमार पांडे, जिनकी बहुत मशहूर हिंदी किताब उसने गांधी को क्यों मारा, उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है, वाई दे किल्ड गांधी, ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन की कवर, ये भी बिल्कुल हाल में छप के आई है। उनकी दूसरी किताब जो अभी हाल में आई है मार्केट में, हिंदी में प्री बुकिंग चल रही है, उसका भी अनुवाद नहीं हुआ है, सावरकर काला पानी के बाद। तो गांधी, सावरकर और नाथूराम गोडसे, ये हमारे तीन डिस्कशन के इश्यूज रहेंगे, इनके आपस के करेक्शंस गांधी हत्याकांड के बारे में और कंटेम्पररी हिंदुस्तान में गांधी को लेके क्या राजनीति होती है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अशोक पांडे जी, हमारे कार्यक्रम से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अशोक भाई, आपको बधाई, आपकी एक नहीं दो किताबें आई हैं, एक अंग्रेजी में, आपकी बेशक आपकी मतलब पुरानी किताब हो, लेकिन चूंकि आपने खुद अनुवाद किया है तो उसमें आपने कुछ नया एलिमेंट आपने डाला है, बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे थे, और सावरकर पे आपकी नई किताब आ रही है जिसकी प्री बुकिंग हो रही है, और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है क्योंकि ये एक क्रिमिनल और पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के हिस्से हैं, नाथूराम गोडसे और सावरकर और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बातचीत को शुरू करते हैं कि आपने जब ये किताब लिखी उसने गांधी को क्यों मारा, तो हम एक नाथूराम गोडसे के मोटिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं आपके पर्सपेक्टिव से। नाथूराम गोडसे के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन हर लेखक कुछ नया इंटरप्रिटेशन लेके आता है, तो आपके पर्सपेक्टिव से क्या इंटरप्रिटेशन थे, कि उनके मोटिवेशंस क्या थे, कॉन्स्पिरेसी के एलिमेंट्स क्या थे जो नए तरीके से आपने पेश किया था? देखिए, नाथूराम गोडसे को जब मैं देखता हूँ ना, नाथूराम गोडसे के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अपना टाइम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, जिस टाइम पे बहुत सारे लड़कों को हम लिंचिंग में एक्टिव होते हुए, या कभी हम देखते हैं कि शाहीन बाग में मूवमेंट चल रहा है वहां बंदूक लेके पहुंच जाते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि गाली गलौज करते हैं और बिल्कुल मरने मारने की बात करते हैं, तो मुझे इन सब में गोडसे दिखाई देता है। वजह यह है कि इन सब के पीछे वही आइडियोलॉजी काम कर रही है जिसने गोडसे को गोडसे बनाया। हम सब जानते हैं कि एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था, अपर कास्ट ब्राह्मण था लेकिन एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। वो इस तरह की फैमिली थी कि फादर इतनी छोटी नौकरी में थे कि जहां जाते थे सबको साथ लेके जाते थे, और खाना पीने की भी समस्या कई बार आती थी, ऐसी वो फैमिली थी। मतलब हाई स्कूल ये लड़का पास नहीं कर पाया था तो इसने बढ़ई का काम सीखा था, लकड़ी बनाने का काम सीखा था कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। बट इट वॉज अ मेयर कोइंसिडेंस कि उस समय वो रत्नागिरी पहुंच गया जहां पे सावरकर थे, सावरकर से उसकी मुलाकात हुई और उसके बाद ही वॉज अ डिफरेंट नाथूराम गोडसे। अगर आप देखें पर्सनालिटी वाइज देखें तो वो बिल्कुल सिंपल सा लड़का है जो शराब नहीं पीता है, जो सिगरेट नहीं पीता है, जिसको सिर्फ कॉफी का शौक है, जो बहुत कम बोलता है, पढ़ने की कोशिश करता है जितना पढ़ सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा वो नहीं था लेकिन जितना पढ़ सकता था वो पढ़ने लिखने की कोशिश करता था। लेकिन सावरकर से मिलने के बाद, हिंदुत्व आइडियोलॉजी से परिचित होने के बाद आप देखते हैं कि लगातार वो हिंसक होता चला जाता है। तो मेरे लिए गोडसे एज अ पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रेरणाएं हैं जो नाथूराम विनायक गोडसे को एक हत्यारे में कन्वर्ट करती हैं, क्योंकि आज हमारे टाइम में भी ये प्रेरणाएं नए लड़कों को हथियारों में कन्वर्ट कर रही हैं और हम अपने अगल बगल ऐसी तमाम सारी घटनाएं देख रहे हैं।
और नेचुरली अगर आप उसको जोड़ना चाहें जरा सा देखें तो उस दौर के थोड़ा पहले हिटलर हिटलर जो कुछ कर रहा था वहां, जिस तरह आप कहानियां सुनते हैं यंग लोगों की कि स्कूल में पढ़ते थे कॉलेजेज में पढ़ते थे और इतने ज्यादा रेडिकलाइज हुए कि अपने बाप के खिलाफ ही जाके पुलिस में बताया कि हमारा हमारे जो फादर है वो हिटलर का मजाक उड़ाते हैं और बाप को अपने सामने मरता हुआ देखा, तो वो पागलपन जहां आपको पहुंचा देता है और गोडसे बना देता है, मेरे लिए हमेशा वो इंपॉर्टेंट रहा इस किताब को लिखते हुए भी और उसके बाद भी। नाथुराम गोडसे और सावरकर के रिश्ते के अलावा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता हैं वो बोलते हैं कि वो रिजाइन करके चले जा चुके थे और जब गांधी हत्याकांड में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है तो उनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था। ये जो नैरेटिव है अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए, नाथुराम गोडसे गांधी हत्याकांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को से जुड़ने के लिए, इसके बारे में आपकी क्या खोज है? आरएसएस ने ये काम पहली बार नहीं किया है, वो लगातार ये करता है, चूंकि उनका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है, चूंकि उनकी कोई मेंबरशिप कार्ड उनका ऐसा कोई मेंटेन नहीं होता है, तो फिर आप देखते हैं कि वोट से तो बड़ी चीज हो गया, करप्शन के केस आते हैं जो तहलका वाले में सारा कुछ आया था बाहर निकल के, उस समय ये लोग अपने प्रेसिडेंट के अलावा बाकी सारे लोगों को इन लोगों ने डिसओन कर दिया कि इनका दिल्ली में इनके कार्यकर्ता थे जो पकड़े गए थे उसमें जो कैमरा पे आन कैमरा पैसों की बात कर रहे थे, इन्होंने सब डिसओन कर दिया कि नहीं ये तो हमारे लोग ही नहीं है। अब देखिए गोपाल गोडसे ने क्लेम किया था कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा, उन्होंने और उनके भाइयों ने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा जी। हिमानी सावरकर कहती है कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा और आरएसएस कहता है कि नहीं उन्होंने आरएसएस छोड़ दिया था, लेकिन असली चीज ये है कि उस दौर में आरएसएस और हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं था। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां ये दोनों संगठन मिलजुल के काम कर रहे थे, हिंदू महासभा पॉलिटिकल फ्रंट की तरह काम कर रहा था और ये उसको सपोर्ट करने वाले फ्रंट की तरह काम कर रहा था, जो खुद को कल्चरल कहता था, नॉन पॉलिटिकल अभी भी कहते हैं कल्चरल और नॉन पॉलिटिकल, बट उनकी जो एक्टिविटीज थी वो पूरी तरह से पॉलिटिकल थी। आइडियोलॉजिकल देखें तो चाहे सावरकर का हिंदुत्व हो चाहे गोलवरकर की किताब वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड हो, दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। और इवन गोलवरकर ने भी बाद में ये कहा कि ये किताब तो मैंने लिखी ही नहीं थी, ये किताब तो गणेश दामोदर गणेश सावरकर ने लिखी थी जो सावरकर के बड़े भाई थे। तो वो इतना ज्यादा मिले जुले हैं, इतना ज्यादा एक ही हैं वो, कि कई बार मुझे लगता है कि आरएसएस और हिंदू महासभा सिर्फ दो नाम है या आरएसएस प्लान ऑफ मेजर कॉन्स्पिरेसी है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उनकी अपनी उनकी जो प्लानिंग थी वो दूसरे तरह की थी, इसलिए वो पॉलिटिकली कभी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सीधे आरएसएस के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो दूसरा काम करते हैं। बाकी अभी झा साहब की किताब आई है जिसमें उन्होंने काफी एनालिसिस की है आरएसएस से उसके रिश्तों पर, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत महत्व नहीं दिया, उसके दो कारण है। पहली बात तो ये कि बिफोर 90s ये सारे क्लेम होते रहे कि गोडसे हमारा नहीं था और गोडसे का आरएसएस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 90s के बाद धीरे धीरे जब वो पावर में आते हैं खासतौर पे 2014 के बाद, तो गोडसे को डिसओन करने जैसी कोई बात आरएसएस करता नहीं है। आरएसएस से जुड़े लोग आप देखते हैं कि लगातार गोडसे के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, गोडसे को कैसे कैसे प्रमोट करते हैं, चाहे वो साध्वी हो चाहे बाकी सारे लोग हों। तो मुझे लगता है कि हमारे वक्त में ये क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट रह नहीं गया है। आरएसएस के लोग खुद एकाधिक तरीकों से ये बताते रहते हैं कि गोडसे कैसे उनके करीब था, भले वो ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट करें या ना करें। मेरे को आपसे एक चीज के बारे में सवाल पूछना है कि मैं ये मानता हूं कि गोडसे संघ परिवार का जो इकोसिस्टम है उनके लिए एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, जो उनके जो प्रमुख नेता हैं जो अतीत में थे उनमें से गोडसे भी एक तरह से आइकॉनिक कैरेक्टर हैं, लेकिन ये पब्लिकली इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मेरी जो आरएसएस पे किताब थी, मैंने काम भी किया था काफी, एक चैप्टर अलग से जो आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट आरएसएस करके जो मेरी किताब है उसमें मैं एक चैप्टर में गोडसे के बारे में रखना चाहता था, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से उस चैप्टर को हटाया गया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि नाथूराम गोडसे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो तमाम जो संघ परिवार के इकोसिस्टम के हिस्से में हिस्सेदार हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए नाथूराम गोडसे एक आइकॉनिक कैरेक्टर अभी भी है, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल, जिनको ना एक्सेप्ट करते बनता है और ना ही रिजेक्ट करते बनता है? दरअसल मेरे ख्याल से वो अनकंफर्टेबल नहीं है। आपकी किताब में जो आइकन्स हैं वो सारे लीडर्स हैं जी, वो जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने कभी खुद बंदूक नहीं उठाई,
जिन्होंने कभी खुद हत्याएं नहीं की, जो कभी खुद दंगों में आगे जाके खड़े नहीं हुए। सावरकर का पूरा कैरेक्टर यही है, चाहे मदनलाल धींगरा का मामला हो, चाहे बाद में गोडसे का मामला हो, उनको तो मतलब उनको बंदूक चलाने भी नहीं आती थी, उन्होंने कभी रिवॉल्वर चलाई नहीं थी। तो आपने जो कैरेक्टर्स लिए आपकी किताब में, जो आइकन्स आए हैं, वो लीडर्स के आइकन है। लेकिन आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, या इस तरह का कोई संगठन हो, उनके लिए आदर्श कार्यकर्ता भी तो कोई चीज होता है। आइडियल जो उनका कार्यकर्ता है वो विनायक गोडसे है, जो सवाल न करे, जो लीडर के कहने पर जाकर हत्या करके चला आए और उसके बाद कोर्ट में भी किसी का नाम ना ले जी। तो वो जो फैनाटिक टाइप का उनको शिष्य चाहिए, उसका आइकन गोडसे है। और अगर मैं आपकी किताब का एडिटर होता तो मैं आपको यही सलाह देता कि उसको आप जरूर शामिल कीजिए, लेकिन उसकी डेफिनेशन दीजिए कि आइकनिक जो है लीडर्स ये हैं, बट ये जो है ही इज अ लीडर ऑफ कार्यकर्ता, जो उनके वर्कर्स है उनका ये लीडर है। आप देखिए, जब सावरकर हिंदू रक्षा दल बनाते हैं तो हिंदू रक्षा दल गोपनीय संगठन है, उस तरह से हिंदू महासभा का सीधा हिस्सा नहीं है। और उसका लीडर किसको बनाते हैं? उसका लीडर विनायक गोडसे को बनाते हैं। बिल्कुल। तो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जिस तरह के लड़के इनको चाहिए, जिस तरह के यंग माइंड इनको चाहिए, गोडसे उसका आइकन है। बिल्कुल, बहुत सही बात कहा आपने। सावरकर की बात कर रहे हैं। एक चीज और जोड़ दूं कि इन आइकन्स को यह समझना चाहिए कि इनको कभी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा जो सावरकर को मिलेगा, जो गोलवरकर को मिलेगा, जो लीडर्स को मिलेगा। ये फाइनली यूज एंड थ्रो होंगे। यूज एंड थ्रो, इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशन है। सावरकर की बात हो रही है, सावरकर का गांधी हत्याकांड कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना या ना होना, इस पर एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा लगा हुआ था। उनको कोर्ट ने एक्विट कर दिया, लेकिन कपूर कमीशन जो 60s में अपॉइंट की गई, फाइनली जाके जब रिपोर्ट देती है लेट 60s में, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि द नीडल ऑफ सस्पिशन, वो अभी भी सावरकर की तरफ है। आप अपने तमाम शोध के बाद आपको क्या लगता है कि किस हद तक सावरकर इन्वॉल्व थे गांधी कॉन्स्पिरेसी में, असैसिनेशन की कॉन्स्पिरेसी में? अगर कोर्ट के डिसीजन को हम देखें तो कोर्ट ने बरी नहीं किया है, ये नहीं कहा है कि नहीं ऐसा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि एविडेंसेज हैं, लेकिन कोरोबोरेटिव एविडेंसेज नहीं है जी। कोर्ट ने जो भड़गे था, जो अप्रूवर बन गया था, और वो जो फिल्म अभिनेत्री थी बिंबा, जिसने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसने गोडसे को और आपटे को सावरकर के घर में घुसते हुए देखा था, ऐसा नहीं कि उनकी गवाहियां रिजेक्ट कर दी थी, बस बट कोर्ट ने ये कहा था कि इनको कोरोबोरेट करने के लिए गवाहियां नहीं है। कपूर कमीशन को अगर आप देखेंगे, कपूर कमीशन की रिपोर्ट को हम देखते हैं तो पता चलता है कि कोरोबोरेटिव एविडेंसेस हमेशा से थे। उनका जो अंगरक्षक था, उनका जो सेक्रेटरी था, इन दोनों ने अपने इंटरव्यूज में जो कुछ कहा है वो बिल्कुल कोरोबोरेटिव है उस चीज के जो कि भड़गे कह रहा है। उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि दोनों बार जब हत्या के लिए गए तो यहां मिलने आए। उसने ये भी कहा कि लगातार हिंदू महासभा के जिस भी कार्यक्रम में सावरकर जाते थे उसमें उनके साथ होते थे ये दोनों लोग। तो उसने वो भी कहा कि बिंबा ने जिस रात को कहा था कि उसने गोडसे और आपटे को जाते हुए देखा था, उस रात गोडसे और आपटे वाकई सावरकर से मिलने आए हुए थे। तो अगर ये सारे एविडेंसेस, आपको मुरारजी देसाई वाली घटना में बार बार याद दिलाता हूं कि कोर्ट में सावरकर के वकील ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आपने गांधी हत्या के बाद आपके पास ऐसा क्या था कि आपने सावरकर के घर के आसपास पुलिस लगा दी थी जी। इन्होंने पलट के पूछा कि अगर सावरकर चाहते हैं तो मैं वो सारी बात बता दूं। सावरकर ने इशारा किया, वकील ने अपना सवाल वापस ले लिया और कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उससे ये चीज बाहर निकल गई। टाइम्स ऑफ इंडिया का वहां पर जो बंदा था उसने जो कुछ लिखा उससे वो बात बाहर आई, और बाद में मुरारजी देसाई ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा में भी इस घटना का जिक्र किया, बताया। अब ये सारी चीजें कौन सी थी जिसको सावरकर कोर्ट में नहीं आने देना चाहते थे? मुझे लगता है कि ये कोरोबोरेटिव गवाहियां ही थी, क्योंकि ये सारी गवाहियां बॉम्बे पुलिस के पास थी एंड वो गृह मंत्री थे बॉम्बे पुलिस के, तो उनको ना जानकारी हो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कोरोबोरेटिव जो गवाहियां थी वो सामने आने नहीं दी। मेरे लिए तो शोध का विषय ये है कि कौन से लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये कोरोबोरेटिव गवाहियां कोर्ट में आए। प्लस लाल किला से सारे लोग ये बरी हुए, लाल किला ने इनको नहीं किया। उसके बाद जो जिनको सजा हुई थी उन सब ने पंजाब हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब हाई कोर्ट में सावरकर को इंप्लिकेट करने के लिए कोई अपील नहीं अपील की। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पंजाब हाई कोर्ट में मान लीजिए अपील होती और ये कोरोबोरेटिव गवाहियां दी गई होती
तो फैसला पलट भी सकता था। ऐसे परचूरे के लिए फैसला पलटा, उसको रिहा कर दिया गया, सावरकर के लिए भी फैसला पलट सकता था। और आखिर वो क्या समझौते थे कि उसके बाद सावरकर धीरे धीरे पॉलिटिक्स से बाहर चले गए? तो सवाल बहुत सारे हैं। और कपूर कमीशन तो बहुत क्लियरली, कपूर कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उनमें बहुत क्लियरली है कि सावरकर और उनके समूह के अलावा कोई और चीज हो ही नहीं सकती षड्यंत्र के पीछे। ये एक पॉलिटिकल पैराडॉक्स है कि कपूर कमीशन की रिपोर्ट आती है लेट 60s में, लगभग ये वही पीरियड है जब इंदिरा गांधी अपने आप को असर्ट कर रही है हिंदुस्तान की राजनीति में। वो अपने आप को लेफ्ट ऑफ सेंटर की पोजीशन लेती हैं उसी पीरियड में, लेकिन इसी पीरियड में लेफ्ट ऑफ सेंटर की पोजीशन लेती हैं, बहुत इकोनॉमिक फैसले करती हैं, बैंक नेशनलाइजेशन होता है, प्रीवी पर्सेस एबॉलिश किए जाते हैं, और जो पुराना जो कांग्रेस सिंडिकेट था जिसको हम लोग की द राइट विद इन द कांग्रेस बोलते हैं, उससे वो लड़ाई करती है और उनको पराजित करती है। इस सब के बावजूद सावरकर के की जो मिथ है और जो लीजेंड्स है उसको क्यों परपेचुएट करती है, डाक टिकट क्यों जारी करती है भारत सरकार उस समय सावरकर के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को यह मौका दे दिया जाता है कि उनका तो आइकॉनिक स्टेटस जो ये सरकार दे रही है, भारत रत्न देने की बात कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जो उस समय प्रेसिडेंट थे के आर नारायणन, उन्होंने नहीं होने दिया। कहता कि हम तो ये बस चेन को कंटिन्यू करें, वो प्रोसेस तो इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, तो क्यों की थी? आपने जो कुछ पढ़ा है इसके बारे में आपका क्या असेसमेंट है? मैं मानता हूं कि असेसमेंट बिल्कुल सब्जेक्टिव होगा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव सुनना चाहता हूं मैं आपसे। मुझे हमेशा लगता है कि कांग्रेस में जब भी कोई लेफ्ट ऑफ सेंटर जाता है तो राइट को भी साथ में संभालता है जी। एक कांग्रेस के कल्चर में है कि आप भले लेफ्ट ऑफ सेंटर दिखते रहिए लेकिन राइट को भी संभालते रहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर एक मिथ तो है ही सावरकर, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र के अंदर सावरकर एक मिथ है। और कम से कम जो चित्पावन ब्राह्मिन्स वाला पुणे का पूरा मामला है या फिर इसके अलावा भी सावरकर प्रभावित करते हैं, जिस तरह का उनको वीर सावरकर की तरह बनाया गया, पेश किया गया, वो प्रभावित करते हैं। तो बहुत संभव है कि इंदिरा गांधी को ये लगा हो कि सारा कुछ तो हम लेफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं, अगर सावरकर को हम थोड़ा सा करें तो महाराष्ट्र से शायद वोट, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शायद वो हमको मदद करे। दूसरा, मुझे ये लगता है कि सावरकर के जो माफीनामे थे वो उस तरह से पब्लिक में तब तक नहीं आए थे, ये भी एक वजह हो सकती है कि मिसेस गांधी को कहीं से लगा हो कि चलो इसमें ये कोई बहुत उतना नुकसानदायक नहीं है। बट जो भी है ये गलत था। कपूर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उस पर कोई कार्यवाही ना होना, जो लोग जिंदा थे उन पर भी कोई कार्यवाही ना होना, और उसके बाद सावरकर का डाक टिकट जारी करना, एक तरह की मेन स्ट्रीमिंग थी सावरकर की, और जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन इतना तो है नीलाजा सर की कांग्रेस कभी सावरकर को लेके या बाकी सारी चीजों को लेके बहुत क्लियर तो कभी नहीं रही है। पिछले 2 साल से राहुल गांधी और कांग्रेस जिस तरह से सावरकर को लेके सामने आ रहे हैं, आप देखिए गोलवरकर के जब 100 ईयर्स पूरे हुए थे उस समय कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए थे, अगर उनको पढ़ा जाए तो लगता नहीं है कि वो कांग्रेस के लोगों के बयान हैं। तो राइट को लेके एक अलग सा रहा तो है ही कांग्रेस का हमेशा से, इनको भी साधने उनको भी साधने का वो एक मामला कांग्रेस में हमेशा से रहा है। अब सावरकर के बारे में बात करते हैं, आपकी नई किताब आई है सावरकर के बारे में जिसको मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ अभी, मतलब जितनी जल्दी हो सके पढ़ने के लिए मेरा इंटरेस्ट है उसमें। आपका काला पानी के बाद, और आपने वो शब्द इस्तेमाल किया वीर, सावरकर का, मेरी समझ के हिसाब से सावरकर का जो वीर का जो टैग है वो उनका काला पानी के पहले के जो भी उनके जो एक्टिविटीज थे उसको लेके उनको वीर का टाइटल मिला। काला पानी के बाद अंडमान के सेलुलर जेल में जाने के बाद वो पूरी तरह से हिंदू नेशनलिज्म के कोडिफायर बन जाते हैं, तो वो एक अलग फेज है, हमको उस फेज को बिल्कुल अलग तरीके से देखना चाहिए। लेकिन ये सरकार पिछले 7 साल से लगातार सावरकर की बात करती रहती है, वीर की बात करती रहती है, वो प्री काला पानी की बात करती रहती है। तो ये जो 2 अलग-अलग अध्याय हैं जिसके बारे में मैंने भी लिखा है कि बिल्कुल 2 सावरकर हैं, एक तरह से बिल्कुल स्प्लिट पर्सनैलिटी मेरे को लगते हैं, तो आपको भी लगता है कि 2 बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं? बिल्कुल। एक तो मेरी किताब जो, उसमें वीर का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, सावरकर काला पानी और उसके बाद किताब है। गांधी में भी उसने महात्मा नहीं लिखा है, मैंने गांधी क्यों मारा है, क्योंकि एक बार आप वीर या महात्मा कह देते हैं तो फिर आपका अपने आप पूर्वाग्रह उधर बन जाता है।
दो सावरकर तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 1909 का जो सावरकर था वो एक बेहद शानदार युवा था, बेहद चार्मिंग युवा था, जो उस समय जो भी रिवोल्यूशनरीज लंदन आ रहे थे उनको इफेक्ट कर रहा था, उनको ट्रेन कर रहा था और उनको कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रहा था। लेकिन जेल में जाने के बाद और जेल में जिस तरह का बिहेवियर रहा और जेल से निकलने के बाद, ही वॉज अ डिफरेंट सावरकर, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन जो डिफरेंट वाले सावरकर थे, इनके बहुत सारे बीच 1909 वाले सावरकर में भी थे। एक की हमने चर्चा की कि लोगों को आगे करना, खुद पीछे रहना, जिस तरह की लीडरशिप वो क्रिएट कर रहे थे उसमें जो लीडरशिप थी उनकी, वो लीडरशिप कोई रिस्क नहीं लेती थी। दूसरी बात, बड़बोला होना, जरूरत से ज्यादा बड़बोला होना, वो अगर आप 1857 वाली उनकी किताब देखेंगे तो भी दिखाई देगा। हालांकि वो उसमें भी जो सेक्युलर, उसमें 1857 वाली किताब में भी जो सेक्युलर हेरिटेज की एक तरफ तो बात करते हैं, लेकिन उसके बाद में कई जगह है आप उसको उसमें वो विचलन बहुत साफ दिखाई देते हैं। लेकिन ठीक है, उसके लिए माफ किया जा सकता है, एकदम यंग थे, प्रोपेगेंडा बुक है, महाराष्ट्र में तिलक की ट्रेनिंग से गए थे, तो वो सारा कुछ समझा जा सकता है, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। मेरे जो क्वेश्चन है, मेरे सवाल जो है, वो उन सोर्सेस पे हैं जिन सोर्सेस पे सावरकर पे लिखी हुई जीवनियां वगैरह बेस की गई है, यानी सावरकर की अपनी राइटिंग। देखिए, अंडमान का जो उन्होंने संस्मरण लिखा है वो 1960s में लिखा है, 1960s में ही उनकी उनका कंप्लीट वर्क्स आया है, और उनका कंप्लीट वर्क्स गांधी के या अंबेडकर के कंप्लीट वर्क्स जैसा नहीं है कि यहां वहां जो चिट्ठियां फैली थी, यहां वहां जो आर्टिकल फैले थे, उनको सारा एक जगह कर दिया गया। 1960s में उन्होंने खुद एडिट किया अपना कंप्लीट वर्क, और उस कंप्लीट वर्क को एडिट करने के प्रोसेस में उसका आधा से अधिक हिस्सा 1960s में लिखा गया है, और वो हिस्सा ऐसे लिखा गया है कि पुराने टाइम को वो ग्लोरीफाई कर सके। सावरकर के जो ज्यादातर राइटर्स हैं, चाहे वो धनंजय कीर हो, चाहे वहां से लेके विक्रम संपत हो, वो सावरकर के अपने लिखे को पत्थर की लकीर मानते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से बात करता हूं, अंडमान में सबने कहा कि उन्होंने शुद्धि कार्यक्रम चलाया जी, और शुद्धि कार्यक्रम जो चलाया या फिर अंडमान में जो उनकी एक्टिविटीज थी उनके बारे में सबने जो कुछ लिखा वो सावरकर के लिखे से खुद ले लिया। मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो उस समय की किसी भी जेल रिपोर्ट में शुद्धि कार्यक्रम का जिक्र नहीं है। इसके अलावा उनके साथ जो लोग थे जिन्होंने अपने मेमायर्स लिखे हैं, उसमें किसी मेमायर में शुद्धि कार्यक्रम का जिक्र नहीं। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जो सावरकर ने लिखी हैं और जिसको सपोर्ट करने के लिए कहीं कोई एविडेंस उस टाइम के लोगों के लिखे में नहीं मिलता। इसके अलावा सावरकर के अपने लिखे में बहुत सारा मिलता है कि एक जगह कहीं कुछ और लिख रहे हैं और दूसरी जगह कहीं कुछ और लिख रहे हैं। तो मेरा अपना क्लेम है कि सावरकर के जो कंप्लीट वर्क है, दैट इज नॉट अ कंप्लीट वर्क। वो जो है वो बेसिकली सावरकर ने अपने को पोजीशन किया है कि फ्यूचर में उनको कैसा देखा जाए। Okay. और इसीलिए आप अगर कंप्लीट वर्क देखेंगे तो सबसे मजेदार क्या है कि 1857 वाली किताब है और उसके तुरंत बाद एक आर्टिकल है कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ें, और जो आप सेकुलर क्रेडेंशियल्स की बात कर रहे थे 1857 का, उसके ठीक अपोजिट वो आर्टिकल है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1909 में एकदम अलग सावरकर थे और बाद में एकदम अलग सावरकर थे, लेकिन हाँ, जेल वो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाए, छठवें महीने में माफी मांगने लगे। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया कि वो अंग्रेजी गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कैसे हो सकते हैं जी, और इस प्रोसेस में वो बने जो कि फाइनली हम देखते हैं जिस सावरकर को जी। अब से मतलब आखिरी सवाल की तरफ, मतलब इस कार्यक्रम को, डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए, मतलब उस दिशा में जा रहा हूं कि पिछले 7 साल में हमने एक सरकारी नैरेटिव भी देखी है सावरकर के ऊपर और गांधी के ऊपर। गांधी को बहुत जोर से अपनाया गया है, इस सरकार के आइकॉनिक प्रोग्राम्स गांधी जी के नाम से चलाए जाते हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी का कंपल्शन है, और सावरकर को ये लोग किस तरह से आज आपके हिसाब से हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश कर रहे हैं? देखिए, सावरकर हिंदुत्व के अकेले आइडियोलॉग हैं और पितृपुरुष हैं, इस मामले में फादर फिगर हैं। हिंदुत्व जो उनकी किताब है, चाहे हिंदू महासभा आरएसएस अलग अलग रहे हो, चाहे जनसंघ, जो कुछ भी रहा हो, लेकिन जो उसका आइडियोलॉजिकल बेस है वो हिंदुत्व है। इसके अलावा जो पूरी फेक न्यूज फैक्ट्री है, स्पेशली हिस्ट्री के लिए जो फेक न्यूज फैक्ट्री है, उसका सारा मटेरियल जो मिलता है वो या तो सिक्स ग्लोरियस इपोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री से मिलता है या हिंदू पद पातशाही से मिलता है। तो वो उसकी भी फैक्ट्री है, उसके भी फादर फिगर है। तो सावरकर को डिसोन तो कभी इन्होंने किया ही नहीं था।
हाँ, जिस समय माहौल ऐसा नहीं था कि सावरकर को अपनाने से कोई खास फायदा, उस समय चुप थे, जब सरकार अपनी आई तो धीरे 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 सावरकर को इन्होंने प्रमोट करना शुरू किया। रहा सवाल गांधी का, तो सरकार से ज्यादा निरंजन जी मैं आपको बताऊं कि 2014 के पहले के जो गांधीवादी हुआ करते थे, आप 2014 के बाद के उनके करिश्मे देखिए तो समझ में आता है कि गांधी के पास बहुत कुछ ऐसा है कि गांधी की आत्मा में गए बिना ऊपर ऊपर आप राम भजन करते रहिए, गांधीवादी बने रहिए, और गांधी की आत्मा जो सेकुलरिज्म में बसती है, जो जातिवाद के विरोध में बसती है, जो अहिंसा में बसती है, उसको आप छोड़ दीजिए। और गांधी एक इंटरनेशनल आइकन है। सावरकर ने एक जगह लिखा, अपने भाई को चिट्ठी में लिखा हुआ है कि हमारा जो दौर है उसको सावरकर युग की तरह जाना जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उस पूरे दौर को गांधी युग की तरह जाना जाता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में। तो एक इंटरनेशनल आइकन को आप डिसोन तो नहीं कर सकते। इसलिए गांधी की जहां आत्मा बसती है, गांधी की जो अहिंसा की बात है, सर्वधर्म संभाव की बात है, वो सब किनारे करके कभी सफाई के आइकन के रूप में, कभी किसी आइकन के रूप में गांधी की तस्वीर का यूज किया जा रहा है, लेकिन आत्मा जिसकी यूज की जा रही है वो तो विनायक दामोदर सावरकर ही है जी। आपसे आई वॉश समझ रहा हूं मैं, आपके ख्याल बिल्कुल आई वॉश है, और मेरे ख्याल से एक मेजर टेस्ट होगा फ़रवरी के महीने में चौरी चौरा इंसिडेंट्स का 100 साल मनाया जाएगा बहुत धूमधाम से, जो एक सरकार पिछले साल से शुरुआत कर चुकी है। जब 2021 में जब ये कार्यक्रम को शुरू किया गया था तो तभी ट्रेसेस दिखाई दिए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में, गांधी के तमाम जो नॉन वायलेंट जो पॉलिटिकल अप्रोच था उसको एक तरह से नकारने की प्रोसेस मुझे नजर आई थी, मैंने आर्टिकल भी लिखा था। तो देखने को मिलेगा कि गांधी का अप्रोप्रिएशन कितना होता है और आगे की नैरेटिव में किस तरह से सावरकर को पेश किया जा सकता है। अशोक जी आपसे बात करके बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम से गांधी, गोडसे और सावरकर, इनको एक नए पर्सपेक्टिव से समझने का मौका मिला होगा। नमस्कार।